आप सभी को मैं प्रणाम करूं, आप सभी के हृदय में विराजित उस परम तेजोमयी सत्ता को बंदगी करूं। आज आप और हम एक ऐसे संत का चरित्र सुनेंगे जिनका नाम ही बड़ा प्यारा है, जो तन मन प्राण में जैसे कोई शहद घोल दे। ऐसे संत बहुत कम हुए हैं, बड़े प्यारे संत हैं बाबा मलुकदास। सारा आकाश संतों के जगमगाते तारों से भरा है, पर बाबा मलुकदास जी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वे अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं बाबा। उनमें एक अल्हड़पन है, एक दीवानगी है, एक मस्ती है, एक बेखुदी है। बाबा मलुकदास का ये नाम ये समझो कि मस्ती का पर्यायवाची हो गया। इस नाम में एक अजब ही खुमारी है, एक कुछ जैसे शराब। ये नाम अगर हम मन में दोहराएं तो मन मस्ती में नाच उठे। बाबा मलुकदास ना तो कवि है, ना कोई दार्शनिक है, ना धर्मशास्त्री है, वो तो दीवाने हैं, परवाने हैं। और बाबा मलुकदास ने परमात्मा को ऐसे जाना है जैसे कोई शमा, जैसे कोई परवाना शमा को जानता है। वो पहचान बड़ी और है, दूर दूर से नहीं है, केवल परिचय मात्र नहीं है, वो पहचान। वह पहचान अपने को गंवाकर अपने आप को मिटाकर होती है। राम दुआरे जो मरे, राम के द्वार पर मरकर राम को पहचाना है, सस्ता नहीं है ये काम। कहानी कविता लिखना तो बड़ी सस्ती बात है, कोई भी जो तुक जोड़ लेता हो वो कवि हो जाए, लेकिन बाबा मलुकदास की मस्ती सस्ती बात नहीं है, बड़ा महंगा सौदा है। सब कुछ दाव पर लगाना पड़ता है, जरा भी बचाया तो समझो कि गिरे चूक गए, मिट गया सब, खत्म हो गया। रति भर भी बचाया तो चूक गए, 99% दाव पर लगाया और अगर 1% भी तुमने बचा लिया तो समझो तुम चूक गए, क्योंकि उस 1% बचाने में ही तुम्हारी बेईमानी हो जाएगी, बेईमानी प्रकट हो जाएगी। 99% दाव पर लगाने में तुम्हारी श्रद्धा जाहिर न हुई, मगर 1% अगर तुमने बचा लिया तो तुम्हारा दाइयापन जाहिर हो गया, तुम्हारा ये काइयापन जाहिर हो गया। दाव हो तो पूरा 100% हो, नहीं तो ये दाव नहीं होता, ये तो एक तरह की दुकानदारी है। बाबा मलुकदास के साथ अगर चलना है तो जुआरी की बात समझना पड़ेगी, दुकानदार की बात बिल्कुल छोड़ देनी। ये दाव लगाने की बात है दीवानों की, धर्मशास्त्री नहीं है। नहीं समझ में पड़ता कि वेद पढ़े होंगे, नहीं समझ में पड़ता कि उपनिषद उन्होंने जाने होंगे, लेकिन फिर भी वेदों का जो राज है, जो उपनिषदों का सार है, वह उनके प्राणों से बिखरा पड़ा है, चारों ओर फैला है। वेद जानकर भी किसी ने वेद जाने? स्वयं को जानकर, स्वयं को मिटाकर ही वेद जाने जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, चार वेद नहीं है, एक ही वेद है, और वह
तुमके तुम्हारे हमारे सबके भीतर है, वो तुम्हारे चैतन्य का है, स्वयं का वेद, सुषुम वेद। और 108 उपनिषद भी नहीं है, एक ही उपनिषद है, और वह उपनिषद शास्त्र नहीं, वह अपनी स्वयं की सत्ता है। बाबा मलुकदास पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। मलुकदास बाबा से पहचान करनी हो तो मंदिर को मधुशाला बनाना पड़ेगा, तो ये पूजा पाठ से नहीं होगा, ये बाहर के आडंबर से परमात्मा नहीं सधेगा। परमात्मा सधेगा तो हमारे स्वयं के हार्दिक समर्पण से सधेगा, समर्पण जो कि पूरा समग्र हो, समर्पण ऐसा कि झुको तो फिर उठने की जरूरत ही नहीं। उसके द्वार पर एक बार झुक गए तो फिर उठना कैसा। जो काबा से लौट आता है वो कभी काबा गया ही नहीं, जो मंदिर से वापस आ जाता है वह कभी कहीं और गया होगा, मंदिर तो गया ही नहीं। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा व्याकरण हुआ, जो कभी मंदिर नहीं गया, उसके पिता बूढ़े होने लगे थे, कोई 90 साल की उम्र रही होगी उसके पिता की, बेटा भी अब कोई लगभग 60-70 पार कर चुका था। आखिर पिता ने एक दिन कहा, तू मंदिर कब जाएगा, तू कब जाएगा मंदिर, तू कब राम को पुकारेगा। तो बेटे ने कहा, पिताजी मैं हूं व्याकरण का ज्ञाता, एक वचन में राम राम जिंदगी भर कहने का क्या फायदा है, मैं तो बहुवचन में एक ही बार राम को पुकार लूंगा, और एक ही बार पुकारूंगा, और अगर मेरी पुकार सच्ची होगी तो एक ही बार में पहुंच जाएगी, और पुकार अगर झूठी है तो करोड़ करोड़ बार भी पुकारू तो कैसे पहुंच सकती है। नाव अगर कागज की है ना तो करोड़ बार चलाओ डूब डूब जाएगी, और नाव अगर सच्ची हो मेरे भाई बहन तो बस एक बार छोड़ी कि उस बार उस पार पहुंची। ऐसे अंधेरे में तीर चलाने का क्या फायदा है। पिताजी एक बार समग्र शक्ति लगा करके, सारी आंखों को एकजुट करके, एकाग्र करके पुकार लूंगा राम को। पिता ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं रे, और तू भी लगभग 70 साल के करीब हुआ, अब इन व्यर्थ की बातों में मत लग, ये सब बातें छोड़ दे। मैं तुझसे अब भी कहता हूं, पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, पुकार ले राम को, मंदिर चला जा। मैं जब भी तुझसे कहता हूं तू यही कहता है, एक बार पुकार लूंगा, एक बार पुकार लूंगा, कब पुकारेगा। तो बेटे ने कहा, ठीक है आज ही पुकार लेता हूं, आज ही एक अरदास प्रभु से कर लेता हूं। बेटा मंदिर गया, जैसे जैसे बाप भी रोज मंदिर जाता था, जिंदगी भर का नियम था बाप मंदिर जाता था, ऐसे ही बेटा भी आज मंदिर चला गया। बाप राह देखता रहा कि बेटा लौटा कि नहीं लौटा, अब लौटता होगा, अब लौटेगा, लेकिन बेटा नहीं लौटा। दोपहर होने लगी और अब तो सूरज भी ढलने लगा था, तो बाप धीरे धीरे लकड़ी के सहारे मंदिर गया, और कि क्या बात हुई कि मेरा बेटा अभी तक मंदिर से आया नहीं। तब तक उधर मंदिर से भी लोग लौट रहे थे, आ रहे थे, उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो, तुम्हारा बेटा तो अब चल बसा, उसने तो बस एक बार मूर्ति के सामने खड़े होकर जोर से राम पुकारा, राम की पुकार लगा दी, और फिर वहीं गिर पड़ा, फिर नहीं उठा। ऐसा रास्ता है जुआरी का, ऐसा रास्ता है भक्त का। राम दुआरे जो मरे वह परम जीवन को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन
हम हैं चालबाज, हम होशियार हैं, और ये हमारी होशियारी ही हमको डुबा रही है, हमारी होशियारी ही हमारे जीवन की, हमारे गले की फांसी बनी हुई है। हम परमात्मा के साथ भी हिसाब किताब से चलते हैं, उनके साथ भी हम सौदा करते हैं। मैं इतना दूंगा तो परमात्मा तुम कितना दोगे, मैं इतना पुण्य करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इतना दान दूंगा तो इसका कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा। और तुम्हें शोषण करने वाले पंडित हैं, पुरोहित हैं, वे भी कहते हैं यहां एक पैसा दो वहां करोड़ गुना पाओगे, और तुम उन शोषण करने वाले पंडित पुरोहितों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह तो धर्म ना हुआ, यह तो कुछ जैसे लॉटरी की बात हो गई यार। और तब लोभी इस तरह के धर्म में उत्सुक होते हैं, प्रेमी नहीं लोभी। और प्रेम का लोभ से क्या नाता है, प्रेम जानता है समर्पण, मांगता नहीं हालांकि मिलता है बहुत, करोड़ गुना ही क्यों, अनंत अनंत गुना मिलता है, मगर मिलने की आकांक्षा प्रेम में बिल्कुल भी नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ देकर ही धन्यभागी है, वो चढ़ाकर वो समर्पण करके ही कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। स्वीकार किया परमात्मा ने मेरी भेंट को, मेरी आहुति को, इतना ही क्या कम है, इतना आनंद बहुत है। इतना आनंद भी समाएगा नहीं, छाती छोटी पड़ जाएगी मेरे भाई बहन, पूरा परमात्मा छाती में उतर आएगा, पूरा आकाश छाती में उतर जाएगा। प्रेमी सदा देने में मस्त होता है, और लोभी देता भी है अगर तो आंख के कोनों से देखता रहता है कि वापिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना लगाया है कम से कम ब्याज सहित तो मिलना ही चाहिए। और जिसको ब्याज की चिंता है वह निर्ब्याज नहीं हो सकता, सरल नहीं हो पाता। जिसको पाने की आकांक्षा है उसका त्याग, उसका समर्पण झूठा है। त्याग तो सच्चा तभी है जब त्याग अपने आप में अपना लक्ष्य है, कोई और गंतव्य नहीं, कोई और मंजिल नहीं, जब त्याग अपने में अपना आनंद है। इसलिए बाबा मलुकदास कहते हैं राम द्वारे जो मरे। आते हो इस रास्ते पर तो मरने की तैयारी लेकर के आना। यह रास्ता दीवानों का रास्ता है, मर्जियों का रास्ता है, परवानों का रास्ता है, और कितनी सदियां हो गई परवाने क्षमाओं पर मरते ही जाते हैं, क्योंकि मरने में कुछ अलग राज है जो परमात्मा ही जानता है। दूर खड़े हुए ये देखने वाले, ये तमाशबीन लोग, ये दर्शक उस सत्य को कभी नहीं देख सकते। वह तो आंतरिक अनुभव है, मिटने का मजा, गलने का मजा, खो जाने का मजा, ये तो कोई परवा नहीं जानता है, ये तो कोई आशिक, ये तो कोई दीवाना ही जानता है। और कौन जानेगा। वो किसी कवि ने कहा ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। ये दूर खड़े हुए लोग थोड़ी जान पाएंगे, ये संसार के लोग थोड़ी जान पाएंगे, ये लोभी थोड़ी जान पाएंगे, ये ब्याजखोर लोग थोड़ी जान पाएंगे। जानेगा तो वही जो मर्जीवा है, जो दीवाना है, जो प्रेमी है, जो प्रेमियत में मकशूल है। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, बाबा मलुकदास कहते हैं परमात्मा तो परम ज्योति है,
उस परम ज्योति के सामने तुमको खो जाने की तैयारी करना पड़ेगी। ये जो हमारा समर्पण है यही सन्यास है। समग्र रूप से समर्पण करना ही सन्यास है। बाबा मलुकदास ने बिल्कुल परिभाषा ठीक कर दी सन्यास की। राम दुआरे जो मरे, राम के द्वार पर झुक गया सिर तो फिर उठाना क्या, लौट कर देखना क्या, हिसाब किताब क्या लगाना। मलुकदास के जीवन के संबंध में बहुत थोड़ी सी बातें ज्ञात है जो बड़ी प्रतीकात्मक बातें बिल्कुल अपने जीवन में उतारने जैसी है, समझने जैसी है। हालांकि ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि बहुत कीमती है, लेकिन अगर उन प्रतीकों के भीतर हम प्रवेश करेंगे तो जरूर मालूम पड़ेगा कि बहुत बड़ा राज है, बड़े रहस्यों के द्वार खुल सकते हैं। उनके जीवन की एक घटना है कि वो बचपन से ही एक अजीब उनको एक आदत थी, रास्ते पर अगर कोई कांटा खोबा पड़ा मिल जाता तो हजार काम भी होता तो उसको छोड़ देते और पहले उस कांटे को रास्ते से साफ कर देते थे। छोटे थे तब सही, जहां कूड़ा करकट पड़ा मिला नहीं कि उसको हटाया नहीं रास्ते से। भले घंटों लग जाए लेकिन पहले वो रास्ता साफ करके कूड़ा करकट हटाते थे। कभी कभी सुबह घर से भेजे जाए कि जाओ बाजार चले जाओ, ये फलाना सामान लेकर के आओ, तो बाबा मलुकदास शाम को घर लौटते थे, दिन भर उनकी माँ उनका रास्ता देखती कि बेटा अब आएगा। कहां रहे तुम, कहां गए, मां राह देखती तो वे कहते और भी जरूरी काम आ गया था मां, सब्जी से भी ज्यादा जरूरी काम और आ गया था, रास्ते में कूड़ा करकट था, उनको बिना उनको हटाया। ये देखने में बात बड़ी छोटी है लेकिन ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई बहन। बचपन में भी यही किया और जीवन भर भी यही किया, लोगों के रास्तों पर से कांटे भी नहीं, लोगों के जीवन के कांटे साफ किए, लोगों के जीवन का दुख दूर किया, लोगों के दिलों में जो सूल उग रहे थे कांटों के, उनके दिलों को कांटों से साफ कर दिया, लोगों के मन में भरा हुआ जो कूड़ा कचरा था उसको साफ कर दिया। कहते हैं ना, पोत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, छोटा बच्चा बड़ा हुआ तो भी उसने यही किया। एक सतगुरु ने उनको ये करते हुए देखा था कि वे रास्ते पर कांटे बिन रहे हैं, कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं, तो सतगुरु उनके पीछे चल दिए। दिन भर उनके इस छोटे से बच्चे के इस अद्भुत काम को, इसकी अद्भुत जीवन शैली को देखते रहे और सांझ को लौटकर उसने, उन महात्मा ने मलुकदास के पिता सुंदरदास जी को कहा कि सुंदरदास तुम बड़े धन्यभागी हो, तुम्हारे भाग्य जग गए, अरे तुम्हारे घर तो कोई सतगुरु पैदा हुआ। सुंदरदास जी ने तो सिर ठोक लिया, बोले महाराज हम तो परेशान हैं इस सतगुरु से, किसी काम का नहीं है ये, छोटे मोटे काम को भेजो तो दिन भर व्यतीत कर देता है, लौटता है तो खाली हाथ। ये तो किसी और के घर पैदा होता तो अच्छा होता, किसी कचरा बिनने वाले के घर पैदा होता तो बड़ा अच्छा होता, पता नहीं इसको क्या धुन है। बाबा मलुकदास को बचपन में मारा पीटा भी, धमकाया भी, सब तरफ से समझाया कि ये अपना काम नहीं है बेटा, तुझे क्या लेना देना, और कुछ करना है कि रास्ते से ये बस ये कचरा ही साफ करते रहना है। मगर छोटा सा बच्चा मलुकदास हंसता और वह कहता कि यही काम जिंदगी भर मुझे करना है, तो इसलिए मैं तो अभी से इसकी आदत डाल रहा हूं। लेकिन उन सदगुरु ने कहा कि ऐसी बात मत करो सुंदरदास, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे घर वो परम ज्योति उतरी है, अभी कुछ और नहीं
कर सकता। छोटा बच्चा है तो बाहर का कूड़ा कचरा साफ कर रहा है, जल्दी ही यह भीतर का कूड़ा कचरा भी साफ करेगा। बहुत लोगों के जीवन इसके कारण स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। और तुम देखते हो, सदगुरु ने कहा यह अजानुबाहु है, इसकी बाहुएं कितनी लंबी है, घुटनों तक पहुंचती है। यह तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और या फिर एक अद्भुत बुद्ध पुरुष होगा। जैसे बुद्ध के संबंध में ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा और या फिर परम बुद्ध। ठीक वैसी ही बात उस सतगुरु ने मलुकदास के संबंध में कही थी। बुद्ध के संबंध में तो समझ में भी आ सकती है कि चक्रवर्ती सम्राट हो शायद, क्योंकि राजा का बेटा है तो सम्राट तो हो ही सकता है। लेकिन मलुकदास तो एक साधारण दीनहीन गरीब परिवार में पैदा हुआ है, यह सम्राट कैसे हो सकता है? यह तो कोरी कल्पना है, असंभव थी बात। बुद्ध तो हो भी सकता था चक्रवर्ती सम्राट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सम्राट के बेटे हैं, राज्य और थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन मलुकदास, पिता ने पूछा कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, यह कोई बुद्ध तो नहीं है? बुद्ध तो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, मगर यह तो मुझ गरीब का बेटा है, यह कैसे चक्रवर्ती सम्राट होगा? सदगुरु ने जो बात कही वो बड़ी प्यारी है। उनने कहा कि यह सतगुरु हो जाएगा, वही चक्रवर्ती सम्राट होना है राजन। दुनिया जीतकर थोड़े ही जीती जाती, परमात्मा को जो जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। सुंदरदास, दुनिया को जीतने के दो ढंग हैं मेरे भाई बहन। एक सिकंदर का ढंग है और एक बुद्ध का ढंग है। सिकंदर दुनिया जीतने चलता है और हारा हुआ मरता है, खाली हाथ जाता है। और बुद्ध दुनिया नहीं जीतते, अपने भीतर विराजमान उस परम सत्य को जीतते हैं, और उसको जीतते ही सारी दुनिया जीत ली जाती है। मैंने सुना है, पुरानी कथा है, शिव जी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, आपने भी सुना होगा, गणेश और कार्तिकेय, और उन्होंने खेल खेल में ही कहा कि तुम दोनों जाओ और दुनिया का चक्कर लगा करके लौटो, जो पहले आ जाएगा उसको इनाम मिलेगा। कार्तिकेय तो एकदम रफू चक्कर हो गया, इधर उसने सुनी कि भागा, गणेश जी तो वैसे भी नहीं भाग सकते, ऐसा शरीर लेकर कहां भागेंगे। और कार्तिकेय से कहा कि जीत जाएंगे लेकिन पुरस्कार गणेश को मिला। कैसे मिला यह पुरस्कार? यह कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी सूचक है। गणेश कहीं नहीं गए, शिवजी ने खुद भी कहा कि उठो, अरे कुछ तो दो चार कदम तो भाई चलो। कार्तिकेय चक्कर लगाने चले गए हैं, सारे विश्व का भ्रमण करके वो आता ही होगा। गणेश जी ने कहा आप फिक्र छोड़ें। वे उठे और उन्होंने शिव जी का एक चक्कर लगाया और कहा कि यह मेरा सारी दुनिया का चक्कर हो गया, आपका चक्कर लगा लिया, फिर क्या शेष बचता है? कार्तिकेय जब तक आया तब तक पुरस्कार बढ़ चुका था। शिव जी ने कहा कार्तिकेय मैं क्या कर सकता हूं, तू हार गया, तू ये दाव हार गया, जीत गया गणेश। मुझे तो शक था कि यह हारेगा, मगर इसने बुद्धों की राह पकड़ ली, इसने संतों की राह पकड़ ली। कार्तिकेय गया था सिकंदर के मार्ग पर और गणेश गए बुद्ध के मार्ग पर। सारी दुनिया का चक्कर लगाओ तो बड़ी लंबी यात्रा है, शायद पूरी भी ना हो, किसकी हो पाई ये महत्वाकांक्षी की यात्रा, हमेशा अधूरी ही रह जाती है। वासना की दौड़ कभी पूरी नहीं हुई है न कभी होगी।
वासना की यात्रा दुस्तर यात्रा है। लेकिन जो स्वयं को पा लेता है, जो परमात्मा को पा लेता है, उसने सब पा लिया। उसे पाने को क्या रहा फिर? मालिक को पा लिया तो उसकी सारी मालकियत अपनी ही हो गई। अरे रब राजी तो सब राजी। एक सम्राट लौटता था अपने घर सारी दुनिया की विजय यात्रा करके। उसकी लगभग 100 रानियां थी। उसने खबर भेजी कि जिस रानी को जो भी चाहिए वो संदेश भेज दे, मैं आते हुए लेता आऊंगा। किसी रानी ने कहा कि कोहिनूर हीरा लेते आना, किसी ने कहा कि बड़े बड़े स्वर्ण के आभूषण लेते आना, किसी ने कोई जरी की साड़ियां मंगवा ली, किसी ने कोई दुपट्टा मंगवाया। लेकिन उस सम्राट की सबसे छोटी रानी थी, उसने कहा ए मेरे मालिक, तुम वापिस आ रहे हो, मुझे और क्या चाहिए, बस तुम आ जाओ सकुशल, मेरे लिए ये सबसे बड़ी भेंट है। सम्राट सबके लिए अनमोल उपहार लाया, 99 रानियों को तो भेंट दे दी और छोटी रानी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तूने सबको हरा दिया रानी, तूने मुझे पा लिया और मुझे पा लिया तो मेरी सारी मालकियत तेरी हो गई। तू होशियार है, ये जो 99 मेरी रानियां हैं ये बड़ी होशियार दिखाई पड़ती है लेकिन ये बड़ी ना समझ है, ये बुद्धिहीन सिद्ध हुई। ये दुनिया बड़ी अद्भुत है, इसका गणित बड़ा अद्भुत है। यहां जो समझदार साबित होने चाहिए समझदार साबित नहीं होते, बड़े ना समझ सिद्ध होते हैं, और यहां ना समझ बड़े समझदार सिद्ध हो जाते हैं। बाबा मलुकदास की गिनती तुम ना समझो में ना करो। उन्होंने मालिक को पा लिया और सब पा लिया। तो ये जो बचपन की पहली घटना बाबा मलुकदास जी की ज्ञात है कि वे कूड़ा कचरा तो साफ कर देते थे, फिर एक सतगुरु ने कहा उनके पिता को कि घबराओ मत, तुम चिंतित मत होना, तुम्हारे घर ज्योति उतरी है, ये बहुतों के जीवन का दुख दरिद्रता दूर करेगा, बहुत से लोगों के जीवन के कष्टों को हरेगा, ये उनके जीवन का कचरा दूर करेगा। ये तो केवल बाहर की सूचना दे रहे थे सतगुरु, यह तो केवल प्रतीक भर बात है। दूसरी घटना उनके बचपन के संबंध में है कि जो रोज रोज घटती थी, जिससे मां बाप परेशान हो गए थे, वो थी साधुओं का सत्संग। कोई आ जाए साधु, कोई संत आ जाए, फिर मलुकदास को घर की सुध बुध नहीं रहती थी, वो सब भूल जाते थे। दिनों बीत जाते थे, घर नहीं लौटते थे, साधु संग में मस्त हो जाते थे, साधु की संगति में लग जाते थे, घर में जो भी होता वो साधुओं को दे देते थे। ये साधुओं का स्वभाव है मेरे भाई बहन। साधु अपने पास कुछ भी नहीं रखते, साधु सब लुटा देते। साधुओं को तो बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन जिस ढंग से बाबा मलुकदास ने दिया है वैसा किसी ने शायद ही दिया हो। बाबा मलुकदास चोरी करके देते थे। आहा, मां बाप आज्ञा ना दे तो घर में ही अपने ही घर में चोरी करके, जब रात में सब सो जाते तो अपने ही घर की चीजें चुरा करके वो साधुओं को दे देते। कोई साधु है जिसके पास अगर कंबल नहीं है उसको सर्दी उतरने लगी है, कोई साधु है जिसके पास छाता नहीं है और वर्षा सिर पर खड़ी है तो वो कंबल चुरा लाते थे, छाता चुरा लाते थे, चोरी करके भी बांटते थे। मैं आपसे निवेदन कर दूं, कभी कभी चोरी भी पुण्य हो सकती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कृत्य नहीं होते पाप और पुण्य,
कृत्यों के पीछे छुपा हुआ हमारे हृदय का भाव होता है और वही सिद्ध करता है कि ये पाप है या पुण्य है। कभी पुण्य भी पाप ही होते हैं और कभी पाप भी पुण्य हो जाते हैं। जीवन का गणित बिल्कुल पहेली के जैसा है, सीधी रेखा नहीं है जीवन के गणित की। कोई नहीं कह सकता कि यह ठीक है और यह गलत है, कि ऐसा करोगे तो ठीक और ऐसा करोगे तो गलत। सब कुछ निर्भर करता है हमारी भीतर की अभिप्सा पर, हमारे भीतर के हृदय के अभिप्राय पर। अब चोरी को कौन पुण्य कहेगा, लेकिन बाबा मलुकदास की चोरी को मैं कैसे पाप कह दूं? आप इतने हजारों की संख्या में लोग बैठे, विचार करना, बाबा मलुकदास की चोरी को कैसे हम पाप कह दें? बाबा मलुकदास की चोरी को पाप नहीं कहा जा सकता। और तुम चोरी नहीं भी करो तो भी क्या पुण्य हो रहा है? तुम दान भी देते हो तो पाप हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी दान देने के पीछे की जो बुद्धि है वो व्यापारिक बुद्धि है, वो व्यावसायिक बुद्धि है। अरे यार, तुम मंदिर भी बनाते हो तो पाप हो जाता है, क्योंकि मंदिर के द्वार पर भी तुम अपना पत्थर लगवाने से नहीं चूकते। तुम्हारी ये इच्छा रहती है कि मैं इतना बड़ा मंदिर बनाऊं और मेरे नाम का पत्थर लगे, मेरे नाम को लोग पढ़े, मेरी मूर्ति भी बाहर खड़ी रहे, लोग कहे कि देखो कितना बड़ा दानी था। अभी तुम देखते हो ना, देश में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। बिड़ला मंदिर है, कृष्ण के मंदिर होते थे, राम के मंदिर होते थे, जिनालयों के, जैनों के मंदिर होते थे, बुद्ध के मंदिर होते थे, मगर बिड़ला मंदिर सुना तुम? कभी सुना था बिड़ला मंदिर? आज तक जो किसी ने ना किया वह जुगल किशोर बिड़ला ने कर दिया। एक व्यक्ति अपने नाम से मंदिर बनवाता और सोचता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं। अब आप खुद इतने संख्या में लोग बैठे हैं, विचार करना ये पुण्य है या पाप है? क्योंकि भीतर अभिप्सा तो यही थी कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो स्वर्ग पहुंचूंगा। व्यापारिक बुद्धि, व्यावसायिक बुद्धि। इसलिए निवेदन प्रार्थना कि बाबा मलुकदास जैसे व्यक्ति की चोरी भी पुण्य हो गई और जुगल किशोर बिड़ला जैसे व्यक्ति का दान भी पुण्य हो, पाप हो गया। वे दान दे रहे थे किसी को भी कि जितना धन चाहिए ले लो, मगर उसमें शर्त थी, वह दान था, वे खरीदना चाहते थे किसी को। उसमें दान कहां था? जहां शर्त हो वहां दान कहां होता है? दान तो बेशर्त होता है। इसलिए बाबा मलुकदास का चरित्र बड़ा सराहनीय है। कुछ चमत्कारों की घटनाएं भी बाबा मलुकदास जी के संबंध में हुई है। वैसी घटनाएं करीब करीब अनेक संतों के साथ जुड़ ही जाती है। उन घटनाओं के पीछे बड़ा राज है, उनको तथ्य मत समझना। तथ्य अगर समझा तो बड़ी बड़ी गलत बात हो जाएगी। उनको केवल आप संकेत समझना, वे सांकेतिक है। जैसे जीजस के संबंध में कथा है कि उन्होंने लजारस को, जो मर गया था, उसको जगा दिया, मुर्दे को जगा दिया, वापस बुला लिया, आवाज दी, लजारस निकल कब्र से, और लजारस कब्र से बाहर निकल आया। मरे 4 दिन हो चुके थे। वैसी ही कहानी बाबा मलुकदास जी के संबंध में भी है कि उन्होंने अपने एक शिष्य को मौत की दुनिया से वापस बुला लिया। अब या तो हम इनको ऐतिहासिक तथ्य माने, जैसा कि ईसाई मानते हैं कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि लजारस को जीजस ने सच में जिंदा कर दिया था, या फिर हम इन्हें गहन प्रतीक माने। ऐतिहासिक तथ्य अगर आप लोग मानेंगे तो ये दो कोड़ी की बातें सिद्ध हो जाएगी।
पहली तो बात ये झूठ हो जाते हैं, ये सच नहीं रह जाते। जीवन में कोई अपवाद नहीं है, जीवन का नियम सबके लिए एक समान है, सभी के लिए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, जीजस हो, हजरत मोहम्मद साहब हो, सभी के लिए एक जैसा है। जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो वापस नहीं लौटता, कोई लौटा नहीं है आज तक। अगर जीजस लजारस को मृत्यु से वापस लौटा सकते थे तो फिर सूली पर खुद क्यों मरे? खुद को न लौटा सके, लजारस को लौटा लिया। जैसे आवाज दी थी लजारस को कि लजारस निकल कब्र से, वैसे ही सूली पर अपने को भी आवाज दे दी थी ना, दे देनी थी अपने को भी आवाज कि जीजस मत लटक, मत मर, मत लगने दे सूली। मलुकदास बाबा ने किसी शिष्य को मर गया था और जिंदा कर लिया, फिर मलुकदास कहां है? वे भी तो मर गए। खुद मरते वक्त याद ना रही अपनी कला, अपना चमत्कार? नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और जो इनको ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं वे बहुत भयंकर भूल करते हैं। चाहे वे सोचते हो कि हम भक्त हैं, लेकिन वे भक्त नहीं है, वे हानि पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह की बातों के कारण आज हमारा धर्म हमको असत्य मालूम होने लगता है। धर्म के साथ अगर तुम इस तरह की बातें जोड़ दोगे तो ये बातें तो असत्य है ही, इनके साथ धर्म की नैया भी डूब जाएगी। असत्य के साथ, झूठ और फरेब के साथ, काल्पनिक कथाओं के साथ हमारे सनातन सत्य को, धर्म को मत जोड़ो मेरे भाई बहन। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं कि इस तरह की कहानियों में सार बहुत है। जीजस ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को जुबान दी, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दे को जिंदगी दे दी, ये प्रतीक है। तुम सब अंधे हो, तुम सब बहरे हो, तुम सब गूंगे हो, तुम सब लंगड़े हो, तुम सब मर चुके हो, जन्म के पहले ही मर चुके हो, तुम सब कब्रों में जी रहे हो, तुम्हारी देह तुम्हारी कब्र से ज्यादा और क्या है? सतगुरु तुम्हें पुकारते हैं तुम्हारी कब्र से कि उठो, जागो, वो पुकारते हैं। उनकी पुकार अगर तुम सुन लो तो तुम्हारा बहरापन खो जाए, उनका स्पर्श अगर तुम अनुभव कर लो तो तुम्हारी बंद आंखें खुल जाए, बंद आंखें खुल जाए, अर्थात अब तक जो धुंध में था वह धुंध छट जाएगी, जो अंधेरा था जीवन का वह कट जाएगा, जो पर्दा पड़ा हुआ था भ्रम का वह हट जाएगा। गूंगे बोलने लगे, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाए, ये सिर्फ प्रतीक है, इस बात के प्रतीक है कि तुम्हारी यह संभावना है तुम्हारे जीवन की, किसी सदगुरु के सानिध्य में तुम सत्य बन सकते हो, तुम लंगड़े नहीं हो, तुम भी उस परमात्मा के जीवन के परम शिखर पर चढ़ने के योग्य हो, तुम चढ़ करके परमात्मा को पा सकते हो, मगर तुम्हें तुम अपनी योग्यता भूल गए हो। जैसे किसी पक्षी को अपने पंखों की याद न रहे, और ऐसा हो सकता है, हुआ है, रामायण में तुमने नहीं देखा, सब लंका पार करने के लिए आतुर हैं, लेकिन समुद्र के किनारे राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, जामवंत हैं, सारी वानर सेना है, लेकिन पता नहीं कैसे लंका तक पहुंचा जाए, समुद्र को पार कैसे किया जाए। हनुमान जी में सामर्थ्य है कि वो लंका पार कर सकते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं है, उनको भीतर का पता नहीं है कि मैं लंका को एक ही छलांग में इस समुद्र को पार सकता हूं। जामवंत सदगुरु बन के आए और कहा कि हनुमान तुम अपने आप को जानो, पहचानो, तुम कौन हो, उठो, जागो,
हनुमान जागे और एक ही फलांग में लंका पहुंच गए। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पक्षी को अपने पंखों की याद ना रहे। तुम्हारे घर में तुम एक अंडे से एक कबूतर को निकाल लो और उस कबूतर को कभी दूसरे कबूतर से मिलने मत देना। उस कबूतर की दुनिया से तुम उस कबूतर को दूर ही रखना। उसे पता ही नहीं चले कि और भी कोई मेरे जैसे है, कि और भी कोई है मेरे जैसे जो दूर दूर तक इस नीले आसमान में उड़ान भर सकते हैं, जो चांद तारों से मुलाकात करने की अभिप्सा ताकत रखते हैं, जो पंख फैलाते हैं, जो ऐसे खो जाते हैं अनंत आकाश में कि पता ही नहीं चलता कि वे है कि नहीं। उस कबूतर को याद भी नहीं आएगी, अपने पंखों की कैसे याद आएगी। तुमने ये कहानियां सुनी होगी, कहानियां नहीं ये सत्य घटनाएं हैं। कभी कभी कोई कोई बच्चा मनुष्य का भेड़िये पाल लेते हैं। अभी अभी कोई 20-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक बच्चा लाया गया था, शायद 30-40 साल भी हो गए होंगे, जो भेड़िये की मान में बड़ा हुआ, 12 साल का बच्चा, लेकिन चारों हाथ पैर से चलता था। किसी मनुष्य को कभी देखा ही नहीं उसने। भेड़िये के साथ ही रहा तो भेड़िये जैसे जैसे चलते थे भेड़िये, वैसे ही वे भी चलता था चारों हाथ पैर से। उसका शरीर बड़ा खूंखार था, नाखून उसके पास ऐसे जैसे कोई हाथों में छुरियां लेकर के चल रहा हो, दांत भी बड़े ऐसे तीखे थे कि अगर कहीं झपट्टा मार दे तो खून के मांस का लोथड़ा निकाल दे। कच्चा मांस खाता था। एक आदमी क्या चार चार आदमी को रखा था उसको पकड़ने के लिए, इतनी इतनी ताकत थी, फिर भी वो भाग जाता था। और भागता भी तो चारों हाथों पैरों से। उसने जब किसी को देखा ही नहीं कि कोई दो पैर से भी खड़ा हो सकता है, तो स्मृति भी कैसे आए। याद के लिए भी तो कोई कोई बीज तो चाहिए। तो अगर कबूतर को तुम अपने घर में रखो और कबूतरों से परिचित ना होने दो तो वह कभी भी उड़ेगा नहीं। वो तो शायद पंख भी नहीं फड़फड़ाएगा, वो तो बस वही जमीन पर पड़ा पड़ा ऐसे ही फड़फड़ाता रहेगा। तो ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य की स्थिति हो गई है। जब तक तुमको कोई बुद्धों का सत्संग ना मिले, कोई संतों का सानिध्य ना मिले, कोई सतगुरु की शरण ना मिले, तब तक तुमको अपने पंखों की कभी याद ना आएगी। तुम अपने पंख कभी खोल ना सकोगे, ना आंख खोल सकोगे, ना कभी पहाड़ों पर चढ़ सकोगे, ना कभी मधुर संगीत सुन सकोगे। कभी भी तुम उसके परम पद को न पा सकोगे जिसका दूसरा नाम परमात्मा है। और तुम सत्य को भी न देख सकोगे क्योंकि तुम्हारी आंखें असत्य के पर्दों से ढकी रहेगी। और तुम क्या खाक जिंदा हो? तुम्हारी जिंदगी क्या है? क्या है तुम्हारी जिंदगी? एक धोखा है। नाम मात्र को जिंदा हो, खा लिया, पी लिया, सो गए, उठ गए, चल दिए, काम कर लिया, सांस आई तो ले ली, सांस गई तो मर गए, 70 साल 80 साल 90 साल यूं ही गुजर गए। क्या है तुम्हारी जिंदगी? जैसे नदी में पानी बह जाए और फिर एक दिन मिट्टी में गिर जाए, तुम्हारी जिंदगी क्या है? इस जिंदगी को अभी शाश्वतता का कुछ भी पता नहीं है, भगवत्ता का कुछ भी पता नहीं है, अपने आप के होने का भी कुछ पता नहीं है। यह जिंदगी तो खिलौनों में उलझी हुई है। इस खिलौनों में उलझी जिंदगी को जिंदगी नहीं कह सकते मेरे भाई बहन। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है।
अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गाम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। गम हो कि खुशी, दोनों कुछ दूर के साथी है, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगनियों, आकाश की चादर है, धरती का बिछोना है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। क्या बात है, ये मिल गया जीवन तो हम इसको मिट्टी समझ रहे हैं, और नहीं मिलता है तो देवता आस करते हैं, हे परमात्मा मुझे धरती पर भेज दे, उसे सोने के समान मूल्यवान समझते हैं। बड़ा अद्भुत नियम है इस दुनिया का, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना है, जिसके लिए छाती पीटते। जो तुम्हें मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, तुम्हारा हाथ सोने को लगा कि वह भी मिट्टी हो जाता है। तुम इतने मुर्दा हो कि तुम्हारे हाथ में जिंदगी आते आते मौत हो जाती है। तुमने जो भी पा लिया सब बेकार हो गया। हाँ, तुम्हारी आकांक्षा भटकती दूर दूर, जो नहीं मिलता है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं, और उसके लिए तुम दौड़ते रहते हो, दौड़ते रहते हो, दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हो, निफा पड़े हो जाते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम मिट जाते हो। दूसरे को गिरते देखते हो, मगर तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि मुझे भी एक दिन गिरना है। दूर जो है वह सोना मालूम पड़ता है, जो नहीं मिला सोना मालूम पड़ता है, हाथ लगते ही मिट्टी हो जाता है। इसे तुम जिंदगी कहोगे? अगर यही जिंदगी है तो फिर मौत क्या होगी? मौत और क्या हो सकती है? जिंदगी तो वह है जहां शाश्वतता का अनुभव हो, जहां परमात्मा भीतर विराजमान हो, जहां उसका दिया जले बिन बाती बिन तेल, जो जलता है, जो जलता तो है लेकिन फिर बुझता कभी नहीं, जहां आनंद की सतत वर्षा हो रही है, जहां अमृत झर रहा है। जब तक तुम ऐसे शाश्वतता में प्रवेश नहीं कर पाओगे, परिचित नहीं हो जाओगे, तब तक जीवन का कोई औचित्य नहीं है। और जो इसको जान लेता है